अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदन लोकसभा सदस्य हैं और राष्ट्रपति बोलने का अधिकार है, माननीय अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, जो उन्होंने 31 जनवरी 2020 और आपके समय भी आप पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। प्रवेश सिंह देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। नो गलत परंपरा मत डालो। नो सदन के अंदर बाहर कई बात को सदन के अंदर इंकित करना उठाना ठीक नहीं है। नो गलत सैर सिंह वर्मा, गलत परंपरा नहीं सदन में। नो जी, नो मैं संसद के संयुक्त सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। और मैं सदन से भी ये कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना समर्थन आज की कार्रवाई में व्यक्त करें। मैं आपका, हमारे यशस्वी जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रपति जी को अभिभाषण धन्यवाद दे रहे हैं, माननीय सदस्य, मेरे देश की 130 करोड़ जनता का, मेरे लोकसभा क्षेत्र व दिल्ली की जनता का, जिन्होंने मुझ पर एक बार पुनः विश्वास करके अपनी आवाज बनाकर यहाँ पर भेजा और जिन्होंने हमारी सरकार पर पुनः विश्वास करके हमें नए जनादेश के साथ में जनता की सेवा करने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखूं, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे भारत के पास एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दिन रात जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे वह गुनाहगारों की दया याचिका का मामला हो, निर्भया के कातिलों की दया याचिका उन्होंने कुछ ही घंटे में ठुकरा दी, और चाहे देश के लिए अति महत्वपूर्ण आदेश लाने का मामला हो, उन्होंने अपने जल्द से जल्द फैसले लेकर देश के लिए जरूरी कामों को गति प्रदान की है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, जब 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद के उन्होंने प्रवेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने संसद के आगे अपना शीश झुकाया, और जब दूसरे कार्यकाल में वो 2019 में आए तो उन्होंने संविधान के आगे अपना शीश झुकाकर बताया कि देश हित सर्वोपरि है। अध्यक्ष जी, मैं आपके बारे में भी कहना चाहता हूं कि आपने इस नए कार्यकाल के पहले दो सत्रों में जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पहले सत्र में 134% आपकी कार्यवाही रही और दूसरे सत्र में 111% तक आपकी कार्यवाही रही, प्रश्नों में भी आपने कई दशक के रिकॉर्ड तोड़े। आपने संसद को पेपरलेस बनाने से लेकर आपने इस संसद में पहली बार जो सांसद चुन के आए हैं, आपने उनको जो इतना मौका दिया, मैं समझता हूं ये भी बहुत ही गौरव की बात है, और ये दिखाता है कि आने वाले समय में हमारी ये संसद कितना काम करने वाली है, देश हित में क्या क्या फैसले लेने वाली है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए भी, इस संसद में अब तक की सबसे महिलाओं की संख्या अभी तक के किसी भी कार्यकाल में सबसे अधिक रही है, जो कि 78 है, और मैं सभी महिलाओं को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि ये संख्या आने वाले कार्यकाल में और भी बढ़े। मैं हमारी प्रथम फुल टाइम
फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस बार जन जन का बजट लेके आई हैं और जो उन्होंने इतना इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है उससे मध्यम वर्गीय परिवारों में खुशी की लहर है। इस बजट में मैंने एक खास बात देखी जो केवल एक महिला ही सोच सकती है, गृहिणी ही सोच सकती है कि उन्होंने बजट के तीन भाग में से एक भाग को उन्होंने केयरिंग सोसाइटी का नाम दिया। ये केवल इस दर्द को एक महिला एक गृहिणी समझ सकती है जो घर को चलाती भी है और आज वो देश में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, देश को चला रही है। साथ साथ ही अभी जो हमने चाइना के वुहान में एक आपदा देखी है कोरोना वायरस की, आज मुझे खुशी होती है और मैं अपनी पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को याद करता हूं जिन्होंने केवल ट्वीट पर हजारों हमारे भारतीयों की सहायता करी और आज हमारे देश ने 654 हमारे भारतीयों को वुहान से लाकर हमारे देश में उनकी सेवा करने का जो बीड़ा उठाया और ना केवल भारतीय उसमें साथ मालदीव देश के भी लोग हैं। और मैं साथ ही मैं अपने भाषण के पहले ही आज मैंने समाचार में पढ़ा कि हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी आज वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अस्पताल गई हैं। मैं भी इस संसद के सभी सदस्यों की तरफ से उनके शीघ्र लाभ होने की कामना करता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे बहुत गौरव है कि हमने इस देश में जन्म लिया। ऋषि मुनियों ने कहा कि भारत में जन्म लेना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो देश है मानवता की सबसे पुरानी संस्कृति सिंधु सरस्वती सभ्यता का, जो देश है भगवान श्री राम का, जो देश है गौतम बुद्ध का, गुरु नानक जी का, अशोक और समुद्र गुप्त जैसे महान चक्रवर्ती सम्राटों का, कौटिल्य यज्ञवल्क्य के और शंकराचार्य जैसे बुद्धिजीवियों का, शिवाजी महाराणा प्रताप बिरसा मुंडे जैसे वीर योद्धाओं का, लक्ष्मीबाई सावित्री देवी सावित्रीबाई निवेदिता गार्गी जैसी वीर नारी शक्तियों का, गांधी भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस अशफाक उल्ला जैसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का। अध्यक्ष जी, भारत देश की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास में शब्दों की कमी है, मगर हमारी अद्भुत संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारा पोशाक, हमारा संगीत, हमारे नृत्य, हमारी कलाएं, हमारा भूगोल, ये जैविक विविधताएं हमारे देश को भारत विश्व में अद्वितीय बनाती है। पिछले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक के मोदी जी की सरकार में इस देश में मजबूत नींव रखने का काम हुआ और इन 5 सालों में 2019 से 2024 तक हमारे देश में एक मजबूत इमारत रखी जाएगी जिसका आधार और मूल मंत्र होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह नौजवानों की सदी होगी। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे नौजवान देश है। आने वाले 3 दशक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं बताना चाहता हूं आज जो ये विपक्ष इतना छोटा सा सिकुड़ गया है, इनकी सोच और हमारी सोच में क्या फर्क होता है। हमारी सोच होती है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करना है तो चालू कर। और इनकी सोच थी आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब पड़े हैं बरसों। ये सारा विपक्ष सोचता था कि जब ये ब्लॉक से, जब ये एक तालुका से, कॉरपोरेशन से, विधानसभा से, संसद तक एक परिवार की हुकूमत चल रही तो इनको क्या जरूरत है देश की समस्याएं सुलझाने की। बहुत समय पड़ा है, ये देश के लोग, ये इनकी जागीर ही अपने आप को समझते थे, मगर हमारे देश के लोगों ने
130 करोड़ लोगों ने ये बताया है, ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करेगा। ये लोग समस्याएं पैदा करते रहे, इन्होंने 370 की समस्या पैदा करी, हमने उसको खत्म किया। इन्होंने 35A की समस्या पैदा करी, हमने उसको खत्म किया। ये समस्याएं पैदा करते हैं, हम उनको खत्म करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, कोई और भी समस्या हो तो बता दो, ये 5 सालों में खत्म कर देंगे। मगर एक समस्या हम नहीं, एक समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। वो समस्या बड़ी हो गई है, वो समस्या आंख मारती है, उस समस्या का हमारे पास, हमारी सरकार के पास कोई समाधान नहीं। अध्यक्ष जी, मैं किसान फौजी परिवार से आता हूं। मेरे ताऊ जी फौजी थे, उन्होंने 1971 के युद्ध में टैंक चलाया था। मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में शिक्षक थे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो अगले ही दिन उन्होंने अपने कॉलेज में शिक्षक का पद दोबारा से ग्रहण किया। मेरे पिताजी और मेरी पार्टी की सभी राजनीतिक महानुभाव से मैंने सीखा है कि इंसान की सहजता और सरलता ही उसका चरित्र होता है। ये लोग हमें आजकल संविधान पढ़ा रहे, ये लोग हमें दिखा रहे हैं संविधान क्या है। हमारा प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, मगर उस संविधान हमें कहता है कि इस देश के लोग और इस देश के लोगों का जनादेश वो सर्वोपरि है। हमने देखा है इसी विपक्ष को, जब इनकी सरकार थी, इन्हीं के नेता अपने ऑर्डिनेंस की कॉपियां वो सरे चौक पर उसको फाड़ा करते थे, तब इनका संविधान कहां चला गया था? जब 1984 में सिखों को मारा जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, तो ये संविधान कहां था? आज ये हमें संविधान की भाषा पढ़ा रहे हैं। शायद इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, ये संविधान उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हर सदस्य के साइन उसमें थे, उसमें इनके नेता नेहरू जी के भी साइन थे, तो उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे, तो उसमें आपकी पार्टी के भी नेता थे, और उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी के भी साइन थे। मैं उस संविधान की कॉपी लेकर आया हूं, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है, और वो आज ये सदन को मैं दिखाना चाहता हूं। इन्होंने हमारे देश में भगवान श्री राम को एक धर्म के साथ जोड़ दिया। हमारे देश में भगवान श्री राम का नाम लेना, इनको लगता था कि हम लोग कम्युनल हो गए, ये सेक्युलर कम्युनल का हमें पाठ पढ़ाने लग गए थे। मैं दिखाना चाहता हूं, ये वो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, जिसको बाद में नेहरू जी ने इस चित्र को निकाल दिया था। ये वो संविधान की कॉपी है, इसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में ये भगवान श्री राम, उनके साथ में माता सीता और ये भैया लक्ष्मण का चित्र, ये ओरिजिनल डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको पास किया, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको पास किया। क्या ये संविधान भी आज कम्युनल हो गया है? क्या आप इसको भी कम्युनल कहेंगे? इसके बाद में पार्ट 4 में जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया, वहां पर यहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन जी जो उनको गीता का पाठ दे रहे हैं, उनका चित्र दिया गया है। इसको भी आप लोगों ने, इस चित्र को हमारे संविधान से निकाल दिया। उसके बाद में मैं दिखाना चाहता हूं हमारे संकट मोचन पार्ट 8 में हमारे हनुमान जी, उनका चित्र यहां पर दिया गया है। क्या ये संविधान भी कम्युनल हो गया? ये संविधान समानता की बात करने वाला, मगर इस देश में जो 55 साल सरकार चली, वो जब विकास की बात करती थी तो कश्मीर उसमें नहीं होता था। जब वो विकास के बारे में योजना बनाती थी तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देती थी, नक्सलवाद पैदा होता था, आतंकवाद पैदा होता था। ये सारी नक्सलवाद आतंकवाद की जड़ें आपकी सरकार में, इस देश में पसरी हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश के नौजवान
इसको देखें और समझें कि ये चित्र हमारे उस समय के महापुरुषों ने संविधान में क्यों डाले। ये चित्र कोई धर्म को प्रतीक नहीं करता। भगवान श्री राम मानवता का संदेश देते हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं हमें अपने जीवन में कैसे आदर्शों का पालन करके आगे बढ़ना है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से इतना दुख हो रहा है इनको, जिसके मन में होता है कोई कुछ बोल देता है हमारे प्रधानमंत्री जी को। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द ना बोले हो। हमारे प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बोलते हैं, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को साइकोपैथ बोला, हिटलर बोला, जनरल डायर बोला, मौत का सौदागर बोला, ऐसे 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 घिनौने इल्जाम आपने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए। सवाल ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम, सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। आपको ये तकलीफ होती है कि हम इतना अपशब्द बोलते हैं, इतना गाली देते हैं, फिर भी देश की जनता 303 सीट हमें दे देती है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। चले मान लिया हम बुरे हैं, मगर 303 सीट आए हैं तो आप कितने बुरे हैं। कांग्रेस के पास तो केवल 52 सीट आई हैं, हम 303 में इतने बुरे हैं तो आप 52 में कांग्रेस कितनी बुरी है, और 22 सीटों में टीएमसी कितनी बुरी है, और एक सीट में आम आदमी पार्टी कितनी बुरी है। जब हम 303 सीट में इतने बुरे हो गए, हमारे देश के लोग अब शब्द बोल रहे हैं, और आज पूरी दुनिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रही है, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, बिल गेट्स ने, रशिया ने, साउथ कोरिया ने, यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सऊदी अरब ने दिया, बहरीन ने दिया, यूएई ने दिया, और हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। क्या हमारी मति मारी गई, क्या हमारी मति मारी गई है? हम ऐसे विपक्ष को खत्म कर दें जहां पर राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। आज वो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हम ऐसे विपक्ष को कभी खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हमारे आने के बाद तो सपा बसपा एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस शिवसेना एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद ममता जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों भाई बहन आपस में मिल गए, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद में ममता जी और वामपंथी स्टेज पर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो मंच पर ऐसे हाथ पकड़ रहे, 20-20, 30-30 सारे इकट्ठे हो गए मोदी जी के लिए। मगर ये देश की जनता सर्वोपरि है, ये देश का जनादेश सर्वोपरि है। उन्होंने आपको जवाब दे दिया 2019 के चुनाव में। मेरा ये सारे देश से प्रश्न है, और आज इस संसद से भी प्रश्न है कि हमने हमारी आजादी के मोल को चुकाया, कि हमने हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनाया। आजादी के 70 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आरोप लगता रहा ये सरकार उस प्रांत की है, ये सरकार अमीरों की है, ये सरकार गरीबों की है। ये गरीबी का नारा नारा देकर एक परिवार 4-4 पीढ़ियां उसकी चुनाव लड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं
हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना कोई धर्म की है ना कोई प्रांत की है, ये सरकार सभी की है, सभी धर्मों की है, सभी प्रांत की है, सभी समाज की है। जहां हमारी सरकार में एक तरफ हम बुलेट ट्रेन लेकर आए तो वहां पर दूसरी तरफ हमने गांव में बिजली का तार भी पहुंचाया, जहां पर एक तरफ हमने डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो वहीं पर दूसरी तरफ परंपरागत कृषि विकास का भी नारा दिया, एक तरफ हमने नौजवानों को स्किल इंडिया का नारा दिया, उनको तैयार किया, और दूसरी तरफ हमने अपने बुजुर्गों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई, एक तरफ हमने स्मार्ट सिटीज पे काम किया तो दूसरी तरफ दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को पास किया, एक तरफ हम राम मंदिर बनाने पर जोर देते हैं तो दूसरी तरफ हर गरीब के घर में शौचालय हो इस पर भी जोर देते हैं, एक तरफ जहां हमने राष्ट्रवाद की बात करी तो वहीं दूसरी तरफ भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, एक तरफ हमने दलित और पिछड़े वर्गों को उनका आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को 10% का आरक्षण दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का नारा दिया था, उन्होंने कहा था पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति की भी सेवा करनी है। मुझे खुशी है कि हमारा नया देश एक गरीब पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, ये हमारा देश एक गरीब पिछड़े वर्ग से आए हुए हमारे गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाता है, ये हमारा देश एक गरीब अनुसूचित जाति से इस देश के हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाता है। ऐसा होगा मेरा देश जब मैं 2014 में सांसद बना, मेरे घर में बहुत सारे लोग आते थे, आपके घर में भी जाते होंगे कि कांग्रेस की परंपरा शुरू की गई थी, हमारे लेटर लिख दो हमें पद्मश्री मिलेगा। यह हमारा देश है जहां पर पत्र से नहीं चरित्र से पद्मश्री मिलना शुरू हुआ। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करे जाओ फल की चिंता मत करो, ये हमारे प्रधानमंत्री ने उसको पूर्ण करके दिखाया। जब एक जगदीश लाल आहूजा जी 84 साल के व्यक्ति जिनको लंगर बाबा के नाम से जाना जाता है, जब वो लोग रोज 500 मरीजों को खाना खिलाते हैं रोज, तब उनको पद्मश्री मिलता है। जब हमारे जावेद अहमद तक जो खुद दिव्यांग है, जब वो दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं तब उनको पद्मश्री मिलता है। हमारी तुलसी गोड़ा जो बूढ़ी माँ है हमारी अमूल्य, उनको पौधों का इतना ज्ञान है, जंगल में जाती है जो अमूल्य पौधे हैं जड़ी बूटियां हैं उनको लेकर आती है, हमारे मरीजों का ध्यान रखती है जिनको इंसाइक्लोपीडियो फॉरेस्ट कहा जाता है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ट्राइबल एरिया से खोज कर ले आते हैं, उसको पद्मश्री देते हैं। आज ये पद्मश्री दिल्ली में नहीं मिलता, आज ये पद्मश्री प्रधानमंत्री जी एक गरीब व्यक्ति को उसकी जो प्रतिभाओं को खोजकर फिर उसको ढूंढकर लाकर राष्ट्रपति भवन में उसका स्वागत करते हैं, ऐसे पद्मश्री मिलता है। किसी भी सरकार का काम का मापदंड होता है उसका सीधा और सटीक तरीका देखने का हो तो उसने कितनी समस्याओं का समाधान किया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है हमारी सरकार ने भारत की ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान किया जो देश में दशकों से पड़ी हुई थी। अगर इस सरकार की सबसे बड़ी कोई खासियत है तो वो है इस सरकार की निर्णायकता, वो है इस सरकार की फैसले लेने की क्षमता। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हो, आज मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस जीएसटी को हमारे देश को जीएसटी जैसा रिफॉर्म दिया। एक मिनट दादा, आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषय पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर। अब दादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे, बैठ जाता। अब मैं पढ़ लू राष्ट्रपति अभिभाषण पर
राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो माननीय। आज मैं हमारे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भी याद करना चाहता हूं और हमारे इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी हमारे वरिष्ठ मंत्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 5 साल में एक से एक बड़े कड़े हमारे फैसले लेकर हमारी समस्याओं का निवारण किया। क्योंकि हमारी सरकार कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूं वो दशक और वो भयानक मंजर 1980 और 1990 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ। सरदार पटेल जी कहा करते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दो विधान दो निशान दो प्रधान ये खत्म होना चाहिए इसके लिए अपनी शहादत दे दी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय का दरवाजा हर समाज के लिए खुला होना चाहिए ये बात कही। आज अगर ये तीनों महापुरुषों की बात को साकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटा के साकार किया है। ये बहुत बड़ी समस्या थी। 40,000 लोग कश्मीर के 1980 के बाद से आज तक 40,000 लोग मर चुके हैं। उनका कत्लेआम किया गया। 400 कश्मीरी पंडितों को उनके सर पर गोली मारकर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। अपनी बीवी बच्चों को वहीं पर कश्मीर पर छोड़कर उनका प्रदेश छोड़कर भागने के लिए कहा गया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे देश में, ये सारी हमारी जो कुछ हमारी नई पीढ़ी है शायद वो भी सोचती होगी, अगर 370 नहीं हटती तो क्या फर्क पड़ता, अगर 35 नहीं हटती तो क्या फर्क पड़ता। मैं बताना चाहता हूं ये हमारे आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये मेरे देश को फर्क पड़ता है। जब मेरा देश अपना बजट प्रस्तुत करता है तो उसमें कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल देता है, आईएम देता है, आईटी देता है, 24,000 लोगों को घर देता है। ये मेरे देश को फर्क पड़ता है। 370 हटाना, 4 लोगों का इंटरनेट कटा, 4 लोगों को कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कौन सा खेती करनी थी, उन्होंने कौन सा बाहर निकलकर हर उन्होंने कोई अपनी जमीन की बुआई करनी थी, उन्होंने हल चलाना था बाहर निकलकर। आज भी बिरयानी खा रहे हैं, आज भी मजे ले रहे हैं, आज भी सारे उनके जो सारे सुविधाएं हैं वो उनको मिल रही हैं। आज हमारी सरकार ने वो 4 लोगों का नहीं सोचा बल्कि वो लाखों कश्मीरियों का सोचा। इसलिए आप चिल्लाते रहे कि खून खराबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई आज तक। ये मेरी सरकार की कठोर वहां पे हमारा परिश्रम है। ये मेरी सरकार ने हमारे देश में ट्रिपल तलाक होता था, कोई व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक दे देता था, कोई ईमेल पर दे देता था, किसी का खाना गर्म नहीं हुआ तो उसने ट्रिपल तलाक दे दिया, किसी की रोटी गर्म नहीं मिली उसने ट्रिपल तलाक दे दिया। और ये सारे लोग ये समर्थन करते रहे। जब हम इस देश की हमारी जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जब उनको न्याय देना चाहते हैं तो आपको उसमें भी तकलीफ होती है। इतने सारे जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सऊदी अरब में ट्रिपल तलाक नहीं है, यूएई में ट्रिपल तलाक नहीं है, हमने हमारे देश में ट्रिपल तलाक किया तो आज हज में हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वो भी आज हज करने जा रही है। गरीबी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या रही जिसको खत्म करने के लिए ना जाने कितनी सरकार इन्होंने बना डाली। अगर किसी ने गरीबी के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाई है तो वो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई है, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र, कभी किसी ने सोचा था क्या एक नाई मोची रेड़ी वाला इन सबको पेंशन मिलेगी? इस देश में पेंशन तो सरकारी लोगों को मिलती थी, अगर 40 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हमारी सरकार ने छोटे व्यापारियों को किसानों को असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को
हमारी सरकार ने पेंशन देकर आज उनका बुढ़ापा ठीक किया है। हमारी सरकार ने 2 करोड़ गरीब लोगों को घर दिया है। हमारी सरकार ने 2 करोड़ 30 लाख शौचालय हमारे गरीबों के घरों में बनाए। 100% गांव में बिजली पहुंच गई। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। वो इनको दर्द होता है क्योंकि जब ये योजना लेके आते थे तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे केवल 15% पहुंचेगा, बाकी 85% किनकी जेब में जाता था। आज जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने 38 करोड़ बैंक के खाते 2014 में ही खोलना शुरू कर दिया था, तब उनका ध्येय स्पष्ट था कि कोई करप्शन नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए मेरी 5 साल की सरकार में 1 रुपए का घोटाला कोई नहीं बता सकता, और जिसने बताने की कोशिश करी उसको सुप्रीम कोर्ट से डांट खा के आके यहाँ पे बैठना पड़ा। 50 करोड़ गरीबों को इलाज की सुविधा आयुष्मान योजना में, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, 5.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में 10 करोड़ के लोन मिल चुके हैं। और ये जब हम देते हैं हम ये नहीं देखते वो कौन से धर्म का है, हम ये नहीं देखते वो कौन सी जाति का है, हम ये नहीं देखते कि हमारा सांसद वहां से चुन के आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सब धर्म जाति पक्षपात के बिना ये हमारी सरकार करने का काम करती है। इस देश की संस्कृति हमारा गौरव है। मेरे समेत कितने हजारों लाखों करोड़ों इस देश के युवाओं ने, वो बड़े होते थे तो नारा लगाते थे सुगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संविधान में जो भगवान श्री राम का चित्र है, इस देश के लोगों की नागरिकता तो नहीं जाएगी मगर इस देश के कुछ चंद लोगों ने हमारे भगवान के श्री राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाए। मैं सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने करोड़ों लोगों की सौगंध को पूरा कर दिया, आपने हमारी सौगंध को पूरा कर दिया। आज भगवान राम लला का मंदिर आसमान को छूते हुए हमारी सरकार बनाने जा रही है। क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए? सैकड़ों वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। बच्चा पूछता है मम्मी से, मम्मी इतने आसान काम थे 6 महीने में हो गए, हमने क्यों नहीं किया? मम्मी कहती है क्योंकि हमें वोट बैंक प्रिय था, हम वोट बैंक के लिए लड़ते थे। जीएसटी इसलिए नहीं लाए क्योंकि वोट बैंक भाग जाता, 370 इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वोट बैंक भाग जाता। क्या भगवान श्री राम का मंदिर एक वोट बैंक का मोहताज होगा, एक धर्म का मोहताज होगा, राजनीति का मोहताज होगा? आज मुझे फक्र है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पर भगवान राम का मंदिर बनाने को कहा वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उनको भी जमीन देने का काम किया। मेरी सरकार उसका विचार है सर्वधर्म संभव, और हम सिर्फ कहते नहीं है, हमने अमल करके दिखाया। अगर भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया तो हमने सऊदी अरब में बात करके भारत के हज यात्रियों का कोटा भी बढ़ाया जो आज सर्वाधिक 2 लाख है। अगर हमारे देश में योगी जी की सरकार में ऐतिहासिक कुंभ मेले का आयोजन हुआ तो वहीं हमने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को भी धूमधाम से मनाया। अगर हमारी सरकार में करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर काम होना शुरू हुआ तो वहीं सुल्तान लोधी को भी हेरिटेज टाउन और स्मार्ट सिटी का हमने दर्जा दिया। जियो पारसी योजना लाकर पारसियों की जनसंख्या बढ़े उसके लिए भी मेरी सरकार ने काम किया। और जो सरकार केवल वोट बैंक को देखती थी, आज हमने उस माइनॉरिटी के लिए हुनर हाट की योजना लाकर वहां पे लाखों रोजगार हमने पैदा करने का काम किया माइनॉरिटी के लिए। मगर एक बात बहुत ही दुख के साथ आपसे आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कि दिल्ली में जहां पर मेरी भारत सरकार हर धर्म का ख्याल रख रही है, दिल्ली में 1 साल पहले दिल्ली की सरकार एक कानून लेके आई और उसने कहा कि दिल्ली के मस्जिद के सारे इमामों को
18,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी और उसके सहायक को 16,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। एक साल से दिल्ली सरकार जनता के टैक्स के पैसे से दिल्ली के मस्जिद के इमाम को सहायक को 18,000-16,000 रुपए प्रतिमा की सैलरी देती है, मगर मंदिर के पुजारी को भूल जाती है, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भूल जाती है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? ये हमको सिखा रहे हैं। अध्यक्ष जी, भारत की अर्थव्यवस्था को हमने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा है, उसके लिए कदम हमारी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। चाहे वो आईबीसी हो, चाहे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉ हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे रेरा हो, चाहे बैंकों का मर्जर हो, इसी कारण है, इन्हीं फैसलों के कारण है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है वो आज बड़ी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 63 हो गई, रिजॉल्विंग सॉल्वेंसी में 108 से 52 हो गई, ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में 74 से 52 हो गई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 पॉइंट हमने इंप्रूव किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल टूरिज्म रैंकिंग में हम 52nd से 34 पर आ चुके हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब क्षेत्रों में 27,000 स्टार्टअप अभी तक हमारी सरकार ने रजिस्टर किए हैं। अध्यक्ष जी, यह देश तभी विकास कर सकता है जब हमारी भारी और आंतरिक सुरक्षा हमारी मजबूत हो। चाहे हमारे पड़ोसी देश का मामला हो, चाहे हमारे आंतरिक हमारी सुरक्षा का मामला हो, आज उसी का हमारी सरकार के फैसलों का नतीजा है कि नक्सलवाद पिछले 5 सालों में कम हुआ। 2016 में जहां पर 1,048 घटनाएं हुई, आज 2019 में वो घटनाएं घटकर 339 पर आ गई और हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात करें तो अभी हाल ही में कई ऐतिहासिक समझौते हुए, जैसे बोडो समझौता हुआ, बरो समझौता हुआ, नागालैंड में भी हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है। ये अखंड भारत की कल्पना है। अध्यक्ष जी, मैं 7 वर्ष का था 1984 में, मेरा 1977 का जन्म है। मैं 7 वर्ष का था, सुबह उठा तो मैंने देखा सड़कों पर आग लगाई जा रही है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया जा रहा है, सबको टायर उनके गले में डालकर मारा जा रहा है। मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं, मेरी सरकार ने एसआईटी बनाई, उन्होंने पुराने केस खुलवाए और आज जो वो सिखों के जो कातिल हैं 1984 के, मेरी सरकार के कार्यकाल में आज वो जेल की हवा खा रहे हैं, वो आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं देश की राजधानी से आता हूं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हमारे किसी भी जिले का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो दिल्ली में ना रहता हो, इसलिए हम इसको मिनी इंडिया कहते हैं। मगर जब दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हैं, तो वहीं भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को देखा और उसका पूरा करने का निर्णय लिया। एयर पोल्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब आप दिल्ली में आते हैं तो आप भी उसको देखते हैं, आपको भी खांसी होती है, दिल्ली को भी खांसी हो रही है। पहले एक को होती थी, आज पूरे दिल्ली को हो रही है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बजट में नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू करके उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हर कदम उठाया है। हमारी सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाकर हजारों ट्रक जो वहां से आते थे आज उनको बाहर निकालने का काम किया, उससे पॉल्यूशन खत्म हुआ। हमारी सरकार ने सफर एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाकर और उज्ज्वला योजना में हजारों लाखों देश की महिला और दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देकर उनके जो शरीर में जो सारी बीमारी होती थी और जो दिल्ली में धुआं होता था उसको भी खत्म करने का काम किया। दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनी जो आज तक 40 साल में किसी ने पास नहीं करी। मैंने कहा शुरू में, आप सारी समस्याएं खड़ी करते थे, हम उसका समाधान कर रहे हैं। मुझे याद है 2008 का दिल्ली का चुनाव, उस समय शीला दीक्षित जी
आज वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथों से दिल्ली के कॉलोनी वासियों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवा दिए, उसके बाद दोबारा सरकार बन गई। 20 सालों में एक कॉलोनी दिल्ली में पास नहीं हुई। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के लोग जो आपके संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं, आज उनके ऊपर जो ये तलवार लटकी रहती थी उसको हटाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने धर्म नहीं देखा किसका घर पास हो रहा है, उन्होंने हर धर्म जाति के लिए ये काम किया। और एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने कॉलोनी वासियों को दिया, जब उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को, जो किसी गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए का घर खरीदा और वो अगर आज वो उसकी कीमत 40 लाख 30 लाख हो गई है, उसके ऊपर जो 30% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो भी मेरी सरकार ने माफ करके एक एक गरीब एक एक मकान वाले को 5-5 लाख रुपए का उपहार दिया, उसका ये टैक्स माफ किया। पिछले 5 सालों में दिल्ली में जहां पर मेट्रो 4 को दिल्ली सरकार 2.5 साल तक अटका कर बैठी रही, वहीं मेरी सरकार ने मेट्रो 4 फेज 4 को पास करके 116 किलोमीटर हमारी सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। इसी संसद में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, यहां पर जो उस समय के सदस्य थे उनको याद होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, दिल्ली का बजट देश की संसद में पढ़ा गया था। उस समय वित्त मंत्री जी हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा कि मैं दिल्ली सरकार को 1200 करोड़ रुपए देता हूं कि वो 1400 नई बसें खरीदे, मगर दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि वो 1200 करोड़ तो बैंक में पड़े पड़े दिल्ली सरकार के पास आज 1800 करोड़ रुपया हो गया है, मगर 5 साल में जो 5000 बसें थी आज वो घटकर 3700 हो गई है। 5 साल में केवल 200 बस दिल्ली सरकार खरीद पाई, और जिसका टेंडर अभी मई 2019 में किया था। बसों की संख्या बढ़ी नहीं, बसों की संख्या घट गई। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी यमुना को आप जब भी वहां पर जाकर देखते होंगे, यमुना की हालत क्या है वहां पर देखते होंगे। हमारे जाकर गुजरात में जो साबरमती नदी के ऊपर में रिवर फ्रंट हमारी सरकार ने बनाया, उस समय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, हम भी ऐसा ही रिवर फ्रंट दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर में बनाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने उस यमुना की सफाई में 1200 करोड़ रुपया खर्च किया, आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई में 500 करोड़ रुपया खर्च किया, मगर आज आप वहां पर जाके देखेंगे कोई आदमी डुबकी नहीं लगा सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं सबको वहां पर ले जाके डुबकी दिलाऊंगा, 5 साल से बोल रहा है, आज तक कभी उसने खुद भी डुबकी नहीं मारी यमुना में। उसने हमारे देश की सरकार ने कहा 2024 तक इस देश के प्रत्येक नागरिक को हम साफ पानी की सुविधा देंगे। मुझे दुख होता है, शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली में 400 टैंकर चलते थे, आज दिल्ली में 500 टैंकर चलते हैं। दिल्ली में सीवर लाइन नहीं है, कॉलोनी में पानी की लाइन नहीं है, ये भारत की राजधानी है। 21वें नंबर पर दिल्ली में अभी जो हमने देखा इंडेक्स में, अभी जो 21 राज्यों का सर्वे हुआ उसमें दिल्ली में सर्वाधिक जहरीला पानी दिल्ली में पाया गया। दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, मगर किसी को चिंता नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक हम देश, जब देश बोलते हैं तो दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली को भी हम 2024 तक हर घर में नल से जल देंगे और स्वच्छ जल देंगे, ये हमारी सरकार ने कहा। मैं कहना चाहता हूं, लोग हमारे ऊपर कह रहे हैं क्या क्या प्रधानमंत्री जी को बोला, दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बोलता है, और मैं उनके ठीक शब्द बता रहा हूं, आई कोट, मोदी ने पर पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ
सेटिंग कर रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राष्ट्रवादी है, मोदी देशभक्त है, मगर मोदी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, जिस पार्टी को जनादेश मिला, जिसको देश की जनता ने 303 सीट जिताकर भेजा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है वो प्रधानमंत्री जो अपनी दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाता है, वो प्रधानमंत्री जिसके नाम से हमारे पड़ोसी देश कांप जाते हैं, जिसके देश में घुसकर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस प्रधानमंत्री के बारे में एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि उसने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है क्या? जब और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब हमारा देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो जब हमारे देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री सबूत मांगता है कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं कहना चाहता हूं मेरी सरकार को और मेरी भारतीय सेना को भी मैं कहना चाहता हूं, जो जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, अपना नाम लिखवा दो लिस्ट में, अगले सर्जिकल स्ट्राइक में वहीं पर आपको प्लेन में भेजेंगे, वहीं कुर्सियां लगाकर वहीं आपको बिठाएंगे। जो जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, ये दिल्ली में कैसी माने सदस्य आप अपनी सीट पर जाके बोले, ये दिल्ली में कैसी क्रांति हो रही है? 5 साल में एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बना, एक भी नया स्कूल। उन्होंने वायदा किया था दिल्ली की सरकार ने कि हम 1000 स्कूल बनाएंगे, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना। दिल्ली की सरकार ने वायदा किया था हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना। दिल्ली की सरकार ने कहा था हम नए अस्पताल बनाएंगे, एक भी नया अस्पताल नहीं बना। और वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो सिग्नेचर ब्रिज को दिखाते हैं, वो 1996 की हमारी सरकार में शुरू हुआ था। वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भी फ्लाईओवर ऐसा नहीं दिखा सकते। तो आप अपनी सीट पर बोला करें और कभी भी सीट पर सवाल नहीं उठाए आज के बाद। नो, मुझे प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठा करें और जब मैं इजाजत दूं जब बोलने की इजाजत है। माननीय प्रवेश वर्मा, नो गलत। एक भी नया फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बना जिसका शिलान्यास दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया हो। ये 5 साल सरकार चली है, 2.5 साल तक हमारे दिल्ली के मेट्रो फेज 4 को रोके रखा। दिल्ली में शीला दीक्षित जी 5 साल में विज्ञापन में 126 करोड़ रुपए खर्च करती थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1400 करोड़ रुपया दिल्ली के विज्ञापनों पे खर्च किया है। 1400 करोड़ रुपया आज केवल दिल्ली का विकास केवल दिल्ली के अखबार में या टेलीविजन के एड में या दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से दिल्ली वालों को वो विकास नहीं दिखाई देता जिसको उन्होंने अपने हाथ से छुआ हो या अपनी आंखों से देखा हो। वो विकास नहीं दिखाई देता जो जेएनयू में इस देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पिछले 1.5 साल से फाइल रखी हुई है, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री उस पर केस चलाने के लिए परमिशन नहीं देता है। ये हमारी भारत की राजधानी है। दिल्ली में हमारी भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। ग्रीन सेस जो दिल्ली सरकार 1174 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है, केवल 272 करोड़ रुपए खर्च किया और वो भी केवल 80, उसमें से भी 272 में से 80 करोड़ रुपया अपने झूठे विज्ञापनों पर खर्च किया। निर्भया फंड, सर हमारी, मैं तो भारत सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, हमारी भारत सरकार ने निर्भया में देश में सर्वाधिक अगर पैसा किसी को फंड दिया है तो वो दिल्ली सरकार को दिया है। मगर बहुत ही दुख होता है कि 390 करोड़ रुपया दिया और उसमें केवल 5% खर्च किया, 95% अभी तक खर्च नहीं किया। 15,700 टीचर के पद खाली हैं, 6
6000 टीचर 5 साल में कम हो गए, 900 बसें हमारी कम हो गई, सारे झुग्गी झोपड़ियों को झूठे सर्टिफिकेट बांट रहे। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां झुग्गी वहीं आवास देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। अभी डीडीए ने सबका सर्वे करना शुरू किया है। हमारी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री जी दिल्ली की हर झुग्गी को पक्का मकान देने का काम करेंगे। देहात के लिए कोई योजना नहीं लेके आए। 100 एकड़ जमीन घेवरा मोड़ पर है, वहां पे कॉलेज नहीं बना पाए। देहात में सेक्शन 33 सेक्शन 81 उसको अभी तक खत्म नहीं किया। सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे केवल 10 मिनट और मांगूंगा दिल्ली के, क्योंकि भारत की राजधानी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हो रहा है। आज वहां पे सीए का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। आज वहां पे लोग जो वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो कहते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मार देंगे। हमें जिहाद चाहिए, हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहां पर कह रहे हैं कि असम को इस देश से अलग कर देंगे, कश्मीर को देश से अलग कर देंगे। ये मैं बताना चाहता हूं इस देश को, ये राजीव फिरोज खान की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम सीए को कभी वापस नहीं लेंगे, ये हमारी देश की अखंडता का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं वहां पर मीडिया को मारा जा रहा है, वहां पर पुलिस के खिलाफ में नारे लग रहे हैं, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। जब मैं शाहीन बाग के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे ऊपर में रिपोर्ट करते हैं, मेरे ऊपर को बैन कर देते हैं। मैं शाहीन बाग के खिलाफ हूं, मगर वो लोग शाहीन बाग के समर्थन में खड़े हैं, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। भारत सरकार ने दिल्ली में 55,000 करोड़ रुपया, हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें दिल्ली में बनाने का काम किया। आज हम देखते हैं धौलाकुआं से एयरपोर्ट तक, और ये गाजियाबाद की सड़क, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे, ये मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड, ये हमारी भारत सरकार ने दिल्ली को सौगात दी है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 26,000 करोड़ रुपए का दिल्ली में बनने जा रहा है। नेशनल वॉर म्यूजियम आज तक किसी को चिंता नहीं हुई, हमारी सरकार ने बनाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले में वहां पर 4 म्यूजियम हमारे देश के शहीदों को समर्पित कर दिए। उज्ज्वला योजना में 2.5 लाख महिलाओं को हमने कनेक्शन दिया। कौशल विकास केंद्र में 3 लाख हमने यहां पर हमारे नौजवानों को हमने प्रशिक्षण दिया। दिव्यांग योजना में 40,000 से ज्यादा हमने दिल्ली के दिव्यांग के लोगों को उपकरण दिए। भारत वंदना पार्क बन रहा है, देश का सबसे बड़ा पार्क। कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया, जहां झुकी वही मकान। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल वहां पे नजफगढ़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। ये हमारी भारत सरकार ने दिल्ली को सौगात दी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पर बड़े नारे लग रहे थे सीए के प्रोटेस्ट में, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने बोला, आई कोट, माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश आर फेसिंग प्रोसिक्यूशन एंड इट इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन टू ग्रांट सिटीजनशिप इन ए मोर लिबरल मैनर। अभी जो यहां पर हमारे सहयोगी हमारे गोगोई जी, उनके पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था इस देश की सरकार को, आई कोट, आई सीक रिफ्यूजी स्टेटस फॉर पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश फॉलोइंग परसिक्यूशन, दिस इज नो वे वायलेट असम एकॉर्ड। ये कांग्रेस बोलती आई, जो बाहर से हमारे हिंदू आ रहे थे पड़ताड़ी होकर, उनके फेवर में देश कांग्रेस के लोग बोलते आए हैं। ये कांग्रेस की सरकारों ने, हमारी सृष्टि में पंच तत्व होते जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ये कांग्रेस की सरकारों ने 55 सालों में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें घोटाला ना किया हो, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो। इस दुनिया में 2 चीजें गिनना नामुमकिन है, एक तो आसमान में तारे और एक कांग्रेस के घोटाले। सर बहुत ही दुख होता है कि विपक्ष हमारी सरकार का ऐसे विरोध करता है, यूएन में जाके विरोध करता है। पाकिस्तान के मंत्री यूएन में जाकर बोलते हैं, हमारे भारत के किसी नेता का बात को कोट करके बोलते हैं। क्या उनको ये समझ नहीं आता है कि वो ऐसा करके
हमारे देश के ऊपर में उनके पक्ष को कितना कमजोर कर रहे हैं, हमारे देश की अखंडता को कितना कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक मंत्री ट्वीट करता है और कहता है मोदी जी को दिल्ली का चुनाव हराना है, ये वो ट्वीट करके आज का पाकिस्तान ये फैसला लेगा कि वो हमारे देश के कोई भी चुनाव को कैसे प्रभावित करे, हमारे मोदी जी को हराए। मोदी मैडनेस है, इसीलिए 2014 में देश के लोगों ने मोदी मैडनेस में हमारी सरकार बनाई। देश में मोदी मैडनेस है, इसलिए 2019 में देश के लोगों ने 303 सीट देकर मोदी मैडनेस को हमारी यहां पे सरकार बनाई। मैं सर आखिर में ये बोलना चाहता हूं, ये बहुत विद्वान है, मैं इनके जैसा विद्वान नहीं हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मगर आज में जियो, जो हो चुका है उसकी चिंता क्यों करते हो, उसका आप नहीं बदल सकते कुछ भी। और जो होने वाला है 2024 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज में जियो। दादा खुश हो कि राम का मंदिर बन रहा है, मुंह से बोलो जय श्री राम, सारे सारे पाप धुल जाएंगे, जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, बोल दो जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम कोई धर्म नहीं है, जय श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। बोलो विपक्ष एक होकर जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, दादा बोलो मुंह से, सारे पाप धुल जाएंगे, बोल दो जय श्री राम। सर मैं खत्म कर रहा हूँ, आप मैं खत्म इंकित करके बोलो, डायरेक्ट उधर मत बोलिए। आखिर में मैं केवल इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, सरकार आएगी सरकार जाएगी, हो सकता है आपकी कुछ और प्राथमिकता हो, हमारी कुछ और प्राथमिकता हो, मगर हमने मिलकर साथ चलना है, हमने मिलकर इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है, हमने मिलकर हमारे देश के शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए मैं दो पंक्ति बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। मैं राष्ट्रपति जी को मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।